आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो टॉप है ये एक टॉप है, उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ आपको सेम अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे भी एक उससे ऊपर वाला टॉप वाला है, तो वहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ऊंचा होने वाला है, देख रहे हैं आप स्टेप्स कितने, तो वो चीज़ अब ऊपर वाले पे मैं जा रहा हूँ, रिद्धि यहाँ वेट करेगी और थोड़ा सा रिद्धि यहाँ क्या क्या करने वाली है। और ये मतलब माउंटेन का टॉप हाइट आ गया। देखिए अब जो मैं जाने वाला हूँ वो उस वाले हाइट पे बिल्कुल टॉप पे, वो भी इससे थोड़ा सा दूर है, 100 फीट, 100 सीढ़ियाँ तो मान सकते हैं आप। वहाँ पर चलते हैं, टॉप पे व्यू दिखाते हैं आपको। ये आदमी जो अपने बच्चों को स्टंट कराने में लगा हुआ है, वो बच्चा बेचारा छोटा सा वहाँ पे, और ये बाज नहीं आ रहा, उसको और ऊपर चढ़ाया जा रहा, और जा ऊपर और जा। बच्चे की हालत ख़राब है, और तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब पिताजी हो पर ऐसा भी क्या, तो कितना स्लिपरी। और ये इसके बाद अगर यहाँ से नीचे गए ना सीधे, तो गाइस ये है आपके नीचे, चेकआउट दिस व्यू। तो ये बहुत स्टिफ है, बहुत स्टिफ, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, दिख रहा होगा आपको। अभी यहाँ खड़ा हूँ और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, टॉप है बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल टॉप है, ठीक है ना। अब इसके बाद कहीं और ऊपर जाने की जगह नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ टॉप से जो खतरनाक व्यू आता है मेरा। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough. And guys, morning well. This side Tapan ki Archa. And this side Riddhi Choru. Welcome to our Hackers Vlog. Guys, अभी हम लोग जा रहे हैं। आज जो हमारा ट्रिप होने वाला है, ये भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, क्योंकि मतलब वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम की टॉप फोर जो पॉपुलर प्लेसेस के अंदर एक प्लेस हम लोग विजिट करने वाले हैं, वो है निनबिंग। अगर आपने नहीं गए तो जाइए और आज का व्लॉग कम्प्लीट देखिए, ताकि आप पता चले उसकी बारीकी के बारे में, केला क्यों ये फेमस है। तो बेसिकली हम लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है, और अब हम जस्ट अपने गाइड का वेट कर रहे हैं कि वो आए और हम लोगों को आज नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाए। आज की डेस्टिनेशन बहुत अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज वो एक तो हमारी हनोई सिटी से बिल्कुल 95 किलोमीटर दूरी पे वो प्लेस है, और वो एक बिल्कुल ट्रॉपिकल गार्डन जैसा है, बिल्कुल ग्रीनरी है, बहुत सारे वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, तो बहुत अच्छा होने वाला है आज का दिन भी। वैसे तो ट्रिप की शुरुआत होती है सुबह 7:30 बजे, लेकिन हमारा टूर गाइड हमें लेते लेते लेट हो गया है, तो 8 बज गए। गाइस अभी हम लोग भाग भागे आए हमारे होटल के अंदर। एक्चुअली हमारा चेकआउट जो था वो 12 नून का था, हमें पता ही नहीं था, हमें लगा कि 12 AM का है। तो बताया उन्होंने कि भाई आपको चेकआउट करना है, एक्सटेंड करना, तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने लगा कि नहीं नहीं नो एक्सटेंड नो एक्सटेंड, हम निकल गया। फिर मैं पता चला अरे यार नहीं, ये तो एक्सटेंड के लिए बोल रहा है। फिर मैंने उसे कन्फर्म करा कि भाई रात के 12 बजे कि दोपहर के 12 बजे, मतलब दोपहर के 3 घंटे के बाद आपका चेकआउट हो जाएगा। फिर मेरा सामान तो रखा हुआ है, फटाफट आए हम लोग, सामान पैक कर रहे हैं और लेके जाएंगे नीचे। आ गई गाड़ी, तो आप देख सकते हैं हम लोग लगेज के साथ रेडी हैं, बिकॉज हम लोगों का नीचे ड्राइवर भी आ गया है, गाइड भी आ गया है, टूर गाइड, और साथ ही साथ हम लोगों को चेक आउट भी करना है। यस, एक्चुअली कई बार क्या होता है, लैंग्वेज भी एक बैरियर होता है, तो हम लोगों को इन्होंने बोला कि एक्सटेंडेड है कि नहीं है आपका रूम, तो एक्चुअली वो किसी और क्या बात कर रहे थे, लेकिन हमें भी अपना रूम नंबर याद नहीं था और उन्होंने भी हमारा चेक नहीं किया था, तो उस वजह से हम लोगों को अभी चेकआउट करना पड़ा। उन्होंने हमारी रूम कीज देखी नीचे रिसेप्शन पे, और वो कहते हैं आपका तो चेकआउट अभी है ही नहीं, अब हमारे रूम्स में दोबारा से बैग जाएंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है लैंग्वेज इशू की वजह से, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग करेंसी चेंज करा रहे हैं। तो गाइस ये फ्लाइट हम लोग भाग नहीं हो गए ना, हमारा लेट हो चुका है, बस हमारे 10 मिनट से वेट कर रही है, काफी सारे फॉरेनर्स हमारा वेट कर रहे हैं, और इनको करना चाहिए, सालों ने खूब वेट कराया हमारे इंडिया को आजाद करने में। चलो चलते हैं। सो फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं, और अभी बस ड्राइवर ने, एक्चुअली हम लोग ऑब्वियसली क्राउडेड था, तो बस ड्राइवर ने जैसे ही रोका हम लोग चढ़े, तो वो जो चाइनीज था वो वहीं खड़ा हो गया, तो गेट एकदम से बंद हुआ, तो मेरे लग गए थोड़ा सा, बट ठीक है अभी बच गए अभी, और फटाफट अब निकलते हैं। अब बीच में एक जगह रुकेंगे, अब 95 किलोमीटर दूर जाना है, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे, शायद 12:30 तक पहुंचेंगे, और अभी हम लोग 8 बजे निकल चुके हैं यहाँ से, 8:15 हो गया, अभी निकल रहे। But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep. तो बेसिकली हमारी अभी डेस्टिनेशन बहुत दूर है, तो यहाँ पे बस ड्राइवर एक हाईवे पे एक जो यहाँ पे कैफे है, कैफेटेरिया है, वहाँ पे रोका है। अब बस यहाँ पे सबको फ्रेश अप हो जाना है, कुछ अगर ड्रिंक्स लेनी है तो ड्रिंक्स ले लें, कॉफी ले लें, एंड देन फिर हम लोग निकलेंगे दोबारा। तो गाइस आज मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल रात में थोड़ा सा बुखार वगैरह आ गया था, सर्दी जुकाम थोड़ी सी मेरे को हो रही है, तो मैंने लगा कि यार थोड़ा मैं डल फील कर रहा हूँ, पर तब भी आज का वाला जो है ना पार्ट वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, तो मैंने नहीं पूरा एनर्जी डाल देंगे, अभी सोए थोड़ा डल डल हो रहा है। चलो डाल चलते हैं अपना बस के अंदर, और फिर चलते हैं अपने कंटिन्यू करते जर्नी। I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot. वियतनाम इज फेमस फॉर कॉफी, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ट्राई करें अलग अलग टाइप की कॉफी टेस्ट करने का। कल हमने दूसरी कॉफी टेस्ट करी थी, आज हमने कैपेचिनो विथ मिल्क एंड एडेड शुगर हमने टेस्ट करा, क्योंकि अपन को वही समझ में आता है। I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle.
तो गाइस हमारी यहाँ ब्रीफिंग हुई है और भाई ने बताया हमें कि ना जो अगर अपन देखते हैं ना किसी वियतनामी सिटी को तो देख के लगता है कि यार वियतनाम कंट्री जो है यहाँ पे बुद्धिज्म को बहुत फॉलो करा जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे यहाँ बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले सिर्फ 5% पॉपुलेशन है इनके, साथ में टोटल मिला के 70-80% लोग जो ना लेडी बुरा यहाँ पे के ना माता है उनको मानते हैं। इसके अलावा 5-12% लोग जो है वो कैथोलिक को मानते हैं, क्रिश्चियन को मानते हैं। अभी हम लोग जो आए हैं यहाँ किंग के टेंपल, किंग को जो पूछते हैं उनके लिए टेंपल बनाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और भाई हमें पूरा ब्रीफिंग कर रहा है यहाँ पे और बहुत बढ़िया यहाँ का नज़ारा। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पता चला है एक्चुअल में कि हम लोग कहाँ पे वियतनाम में है, इसका यहाँ का आर्किटेक्चर और सब डिज़ाइन करा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आ रही है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अब हम लोग एक टेम्पल विजिट करने जा रहे हैं जो कि किंग क्वीन का टेम्पल है यहाँ पे, और देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्लेस हमारी कौन सी रहती है। And over here, we stand under it. This लोग यहाँ पे एक किंग के टेम्पल पे आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये जो दो इन्होंने वॉरियर्स रख रखे हैं वो उनका काम बेसिकली ये होता है कि अगर जैसे आप कोई गंदे थॉट से जा रहे हो तो ये आपको रोक देंगे, अगर आप अच्छे थॉट से जा रहे हो तो ये आपको अलाउ कर देंगे अंदर जाने के लिए। एक अंदर छोटा सा बैरियर है इन विच आपको क्या करना रहेगा, वो बैरियर इसलिए लगा है जिससे कि आप उसको जब पास करके जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल बॉ, तो इट शोज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द किंग, तो इसलिए इन्होंने ये पूरा एक चीज कास्ट कर रखी है। तो गाइस दिख रहा होगा आपको कि ना यहाँ पे पीछे झंडा दे रखा है, झंडे के अंदर है कुछ 5 टाइप के रंग दे रखे हैं। रेड जो है ना डिफाइन करता है फायर को, उसके अलावा येलो दे रखा है, येलो डिफाइन करता है सॉइल को, और ब्लू डिफाइन करता है वाटर को, उसके अलावा जो नेक्स्ट कलर है हमारा वो है व्हाइट। व्हाइट जो है ना बेसिकली मेटल को जब हम कट करते हैं तो व्हाइट वाला कलर नजर आता है, और ग्रीन डिफाइन करता है प्लांट्स को। तो ये 5 को मिला के इन्होंने एक फ्लैग बनाया, दिख रहा होगा आपको, और ये फ्लैग जो है इसी 5 रंग को रिप्रेजेंट करता है। But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my... दिख रहा होगा आपको यहाँ से सीधे आप जा सकते हैं अंदर। ये जो टाउन दिख रहा है आपको इसी की वजह से यहाँ पे बोलते हैं कि ना सीधे सीधे आपको रेस्पेक्ट मिलती है किंग को। किंग जो है यहाँ पे बैठे हैं बीच में, तो ये बीच में किंग है। और यहाँ बताया गया कि इधर इस तरफ उनके लोग बैठते हैं, मतलब उनकी फैमिली बैठती है, ऐसा कुछ हमें बताया गया यहाँ पे। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है यहाँ का ज़्यादा, पर एक्चुअल में किंग जो है यहाँ पे है। खूबसूरत दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, वो बैठे पीछे दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल एंड में, वो किंग है यहाँ के, जिनको यहाँ पे जिनकी पूरा ये मंदिर बनाया गया है, वो बैठे हुए इस तरह। निकलते हैं बाहर अभी यहाँ से और जंप करते हुए। काफ़ी लेयर्स के बाद अंदर मुझे किंग नज़र आए, रिद्धि किंग अंदर नज़र आए, पर जो बहुत अंदर है वो। अच्छा। वो लेयर्स है ना जो मतलब बाहर ही सारा वो आरती का सारा सामान रखा हुआ है, तो काफी अंदर जाके एक्चुअली इन लोगों के किंग्स का शायद एक फोटो होता है, ऐसा ही पूरा स्टैच्यू था। पूरा स्टैच्यू था जो हमने देखा, मुझे लग रहा था बाहर से कि मैं समझ रहा किंग किधर बैठे हुए ना, फोटो है कुछ भी नहीं था। अब हमारा गाइड हमको बुला रहा है, हम फटाफट चलते हैं। Struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. हर जगह का एक कुछ ना कुछ सिंबल होता है, ऐसे ही यहाँ पे इन लोगों का सिंबल है टर्टल। तो टर्टल सिंबलाइज करता है ऑब्वियसली वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। साथ ही साथ यहाँ पे टर्टल के ऊपर जो आप देख सकते हैं एक स्टोन रखा हुआ है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर से चाइनीज लेटर में कुछ लिखा हुआ है। सिंस हमें नहीं आता तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या लिखा है, लेकिन बहुत सुंदर सा चाइनीज लेटर लिखा हुआ है। उसका सिर्फ सिंबलाइज ये है कि जब तक टर्टल है तब तक वो चाइनीज लेटर यहाँ पे रहेंगे एंड उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सो अभी हम लोग टेम्पल के अंदर ही हैं, दूसरा टेम्पल था लेकिन हम लोग गए नहीं, हमने कहा सेम टेम्पल है इसलिए। और यहाँ पे एक ट्री है
एक्चुअली दूर से तो मुझे लगा था एप्पल ट्री है, बट ये कोई फिग करके FIG करके कुछ फ्रूट होता है वो है। और हमारा जो टूर गाइड है उसका नाम जेम्स है, उसका मैंने फ्लैग ले लिया, तो बस अभी हम लोग उसके पास ही जा रहे हैं। सो फाइनली हमारी एक जो डेस्टिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, दो किंग्स देखे, काफी सारी उधर हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको दी है। होपफुली आप लोगों के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग रही हो। एक बार यदि पूरा घुमा के दिखा दो, पूरा यहाँ घूम के दिखा दो एक बार, कितना प्यारा व्यू है पर्टिकुलर इस वाले एरिया का। और ये दिख रहा होगा आपको, बहुत प्यारा व्यू दिख रहा होगा आपको। अपडाउट चलते हैं, अदरवाइज हमारा गाइड जो है ना हमें प्यारा बना देगा। अब हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। ऑल दो लंच हमारा कुछ ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ का लंच हम लोग नहीं कर पाते, बट उसके बाद हम लोगों का बोट रहेगा, हाइकिंग रहेगा, बहुत मजे आने वाले। यस, बोर्डिंग द बस अगेन। और सब हमारा वेट कर रहे थे वीडियो बनाने में, एक्चुअली में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अभी यहाँ पर आ चुके हैं बस, और बस के अंदर काफी सारे आउट ऑफ इंडिया लोग बैठे हैं। सो हमारी बस ने हमको यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में ड्रॉप कर दिया है कि अब पहले खाना खा लीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे। चलो डाउट चलते हैं अभी यहाँ पे खाना खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब इंडियन के अंदर क्या क्या चीजें खाना है। हाँ, मतलब हम लोगों का काफी स्ट्रगल है, हम लोगों को कुछ खाने का मिलता है या नहीं, अदरवाइज हम लोग देखते हैं। फिर कल दिन सिर्फ पीनट खाए थे, खाली सिर्फ पीनट, पीनट्स। So, हम लोग जिस रेस्टोरेंट आए हैं वो रेस्टोरेंट काफी बड़ा है एंड यहाँ पे वेजिटेरियन के नाम पे फ्रूट्स और हमें कॉर्न्स तो मिल ही जाएंगे। So, मतलब यहाँ पे काफी सारी वैरायटी, अगर आप इंडियन खाते हैं और वेजिटेरियन खाते हैं प्योरली, जिसमें अंडा और एग मतलब मीट नहीं चाहिए आपको, तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको खाने के लिए इस ट्रिप पे। तो स्पेशल बेसिकली मेरा आज का लंच यही है। जितने भी प्योर वेजिटेरियंस हैं उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल रहता है अगर आप ऐसी कंट्रीज में घूमने आ रहे हैं जहाँ पे सी फूड डिमांडिंग में है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे घूमने आए तो सी फूड यहाँ पे डिमांडिंग है, यहाँ पे वेज नहीं है। बहुत रेयर केसेस में आपको टूर एंड ट्रैवल में ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको फ्रूट्स मिल गए, जहाँ पे आपको राइस मिल गई, अदरवाइज नूडल्स और राइस में भी आपको हेजिटेशन होगी बिकॉज वो भी ऐसी मतलब उन्हीं नॉन वेज के साथ रखे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है। तो हमेशा रिकमेंडेड है कि अगर आप ऐसी कंट्रीज में ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो अपने साथ इंडियन फूड जरूर कैरी करके लेके जाएं, एटलीस्ट फॉर अ वीक, जिससे आप आराम से इंजॉय भी कर सकें सीजन को भी और पार्टीज भी कर सकें, एक्टिविटीज भी फुल ऑन कंप्लीट कर सकें। तो निकलने टाइम आ गया, चलते हैं बस के अंदर बैठते हैं और उसके बाद फिर आई कैनी बताएंगे आपको कहाँ जाना, अभी शिप पे जाना अपन को भाई। हाँ, और यहाँ पे बारिश भी आ रही है तो मौसम कल की तरह बहुत अच्छा हो रहा है। और ये रही हमारी बस जिसमें हम बैठने वाले हैं, और ये रहा हमारा टूर गाइड जो कि बोल रहा है चलो चलो अंदर चलो। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं हमारे थर्ड सेकंड नंबर पे पॉइंट पे। हाँ, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट जो होने वाला है ये हम लोग अंडर मतलब वाटर के अंदर हम लोग बोट चलाने वाले। हाँ, वाटर के अंदर बोट है और मतलब कुछ इन्होंने बताया है कि कुछ यूनिकनेस रहेगी। yes. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सजा हुआ है, बिल्कुल हम अंदर जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल अंदर जा रहे हैं इसमें और देखते हैं कैसा होता है। I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. So guys, finally हम लोग आ गए हैं बोट के अंदर। और ये बोट कल वाली बोट से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे बारिश भी हो रही है, छाते के साथ हम लोग पूरे रिवर में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। ये लेक है शायद से कि रिवर समझ में नहीं आ रही। हाँ, लेक हाँ, रिवर कुछ है ये, पर ये सारा सारा जितने बड़े बड़े वो आपको दिख रहा माउंटेन्स के बीच में ये लेक चल रही है और यहाँ पे एक लेक के अंदर चार लोग बैठते हैं, एक बोट के अंदर चार लोग बैठे हुए हैं, कुछ कुछ जगह तीन लोग भी बैठे हैं बैलेंस करने के लिए। तो अभी हम लोग बस पहुंच गए और बस मजे लेते हैं मौसम के and tried to cure the sickness but I just keep my head down and focus on the facts I'm setting down gravel while you just follow the path I'll lead them into battle while you're just too scared to act I'll leave the knife right in my back so I'll keep hustling you keep struggling bitch I'm humbling keep mumbling I'll keep doubling you keep bluffing you've got nothing I'll keep hustling. So hum log us end se hote hue yahan dusre end pe aaye hain aur shayad yahan pe boat rukegi aur andar ka hum log dekhenge ki kya scenery hai ya kya temple hai kuch aisa lag raha hai humko dur se, hai na Tapan? बिल्कुल, ये एक अजीब सा उन्होंने बना रखा है, वो टेम्पल ही है जो बीचों बीच है
और इसमें ड्रैगन के ऊपर ज्यादा काम करा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ड्रैगन की बहुत बड़ी मान्यता है। टॉप पे ना ड्रैगन नजर आएगा आपको। माउंटेन्स के बीच में, मतलब ये एक्चुअली पूरा माउंटेन है जिसके अंदर से छोटी सी जगह निकली है और उसके अंदर हम ट्रैवल हो रहे हैं हम बोट के साथ। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. So guys, पिछले काफी मतलब कुछ डेढ़ से दो घंटे हो गया मैं approximately इस बोट के अंदर, और बोट के अंदर हम लोग कंटिन्यूस घूमे यार, इतनी बड़ी लेक ही है। हाँ, ये इतनी बड़ी लेक है और चारों तरफ पूरा वादियाँ ही वादियाँ, घाटी के अंदर से पूरा रिवर या लेक जो भी बना हुआ है उधर से निकले। तीन घाटियाँ हम लोग मींस तीन केव्स हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अंडर वाटर केव्स हमने तीन तो क्रॉस कर लिए, दिखाया होगा आपको ब्लॉग के अंदर, और बहुत बड़ी बड़ी हैं अंदर, पूरे लैम्प्स है, पूरा मेंटेन बहुत अच्छा सा है। हाँ, मतलब यहाँ पे काफी अच्छा से मेंटेन करा हुआ है। और आज तो मतलब ट्रिप अलग ही है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश आ रही है, मौसम भी बहुत मस्त हो रहा है और उसमें हम पानी में जा रहे हैं। Down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right. Guys, यहाँ पे चैटिंग चल रही है। हाँ, यहाँ पे फाइट चल रही है। हम लोगों ने यहाँ पे पता है अभी ब्रिटिशर्स को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन होते तो वो ऐसे ही है ना, फिर उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया। चार लोग मिलके दो लोगों पछाड़ रहे, नॉट फेयर गेम। चाइनीज पीछे हमारे, उनके लिए कोई टेंशन नहीं, आराम से बेचारे आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना ही भागे भाग लो। लेकिन यहाँ पे बोटिंग कंपटीशन में बहुत मजे आए। तो फाइनली हम लोग जो है थर्ड नंबर पर आ चुके हैं। थर्ड नहीं, वो तो चलाए जाने, वो चार चार लोग चला रहे हैं, इसलिए हम लोग थर्ड पे, वरना तो हम फर्स्ट ही थे। आगे आंटी, आंटी मुस्कुरा रही है, आंटी भी अपने आप में कंपटीशन कर रही है यार। आंटी वेरी गुड, यस, ये चिटिंग करते हुए यहाँ पे मैं उनका डंडा भिड़ा रहा हूँ। फाइनली पहुंचे वापस हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे, यहीं पे था, यहीं से हमने स्टार्टिंग पॉइंट करा था। चलो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं हमारे थर्ड एक्टिविटी के लिए। और अभी का जो हमारा बोट टूर थी बहुत अच्छा रहा, बोट टूर बहुत अच्छा रहा और बहुत बारिश में खूब मजे आए, आपने क्लिप्स देखे होंगे। हमने खुद ने बोट चलाई तो पूरी जान निकल गई भाई बोट के। और सबसे मजा तब आया जब हम लोग सारे बोट्स वाले रेसिंग कर रहे थे एक दूसरे से, और सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे, तो बहुत मजे आए। तो हम लोग अभी दूसरी डेस्टिनेशन पे आए हैं अपनी, और यहाँ पे हम हाइकिंग करने आए हैं, और अभी जो बीच का पैसेज है वो बहुत सुंदर है, चारों तरफ ट्रीज हैं, मतलब कि 500 सीढ़ियां चढ़ के हमें ऊपर जाना है, और फिर वहाँ जाके है ना टॉप व्यू पे है ना एक अच्छा फोटो और वीडियो क्लिक करेंगे, बहुत बेस्ट फोटो। और बारिश की वजह से काफी जगह स्लिपरी है यहाँ पे, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, ऐसे हमारे टूर गाइड ने हमें गाइड किया है, क्योंकि स्लिपरी टाइम पे ना जो माउंटेन्स होते हैं ना वो काफी पानी वानी आता है भाई, खतरनाक। तो भी अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत बढ़िया है ना। मशरूम दिख रहे होंगे आपको काफी सारे यहाँ पे, मशरूम जैसा कुछ बना रखा है। इवन यहाँ पे ना खेती होती है किस चीज की, लोटस की खेती भी उधर बैक साइड के अंदर, अगर आप आ रहे हैं तो वो भी जरूर देखें। फिर चलते हैं हाइक। आपको ये दिख रहा होगा ये वाला जो टॉप है, ये एक टॉप है, उसका अगर मैं दिखाऊं आपको सेम अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे भी एक उससे ऊपर वाला टॉप वाला है, तो वहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी ऊंचा होने वाला है, देख रहे हैं आप स्टेप्स कितने, पूरे हम लोग स्वेट हो गए हैं, और हम लोग अभी तक आई थिंक 150 स्टेयर्स क्रॉस कर गए हैं। हाँ, उसके आसपास, क्योंकि अभी अब 100 स्टेप्स और बचे हुए ऊपर की साइड में जो टॉप है यहाँ का। हाँ। और ये माउंटेन क्लाइंबिंग और एक तरीके से हमारा हाइकिंग के अंदर। हाँ, और एक्चुअली स्टेयर्स में बहुत बड़ा बड़ा गैप है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टेयर्स हैं, इस वजह से ज्यादा थकान हो रही है, तरीके काफी मजा आ रहा है यहाँ पे चलने में।
मौसम भी बहुत प्लीजेंट है। यस तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए टॉप पे। हाँ बिल्कुल हम लोग टॉप पे पहुंच गए और एक थोड़ा सा 5-10 स्टेयर्स अप एक और हाइट है। वो तो 100 बोलते हैं हिंदी के अंदर, 100 तो नहीं है वो है ना, लेकिन स्टेयर्स बहुत स्टिफ है, मतलब उतरते टाइम भी आपको काफी टाइम लगने वाला है बिकॉज बहुत स्लिपरी भी है और बहुत स्ट्रेट है तो बहुत डेंजरस होता है। तो वो चीज अब ऊपर वाले पे मैं जा रहा हूँ, रिद्धियाँ वेट करेगी और थोड़ा सा रिद्धियाँ कैप्चर करने वाली है और ये मतलब माउंटेन का टॉप हाइट आ गया। देखिए अब जो मैं जाने वाला हूँ वो उस वाले हाइट में बिल्कुल टॉप पे, वो भी इससे थोड़ा सा दूर है, 100 फीट 100 सीढ़ियां तो मान सकते हैं आप। वहाँ पे चलते हैं टॉप पे व्यू दिखाते हैं आपको। माउंटेन पे चढ़ रहे देख ठीक आप अपना सकते हैं, अपनी बॉडी का वेट जो है ना थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के रखें ताकि स्लिप होने का खतरा बिल्कुल ना हो। ऐसी जो खड़ी चढ़ाएगी बिल्कुल देख रहा हूँ पिछड़े के जाता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि ऐसी खड़ी चढ़ाई के ऊपर अगर आपको चलना है तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा आगे झुक के रहना पड़ेगा। चलते दिखाता हूँ मैं आपको टॉप का व्यू। ये हमारा बिल्कुल टॉप है ठीक है ना, अब इसके बाद कहीं और ऊपर जाने की जगह नहीं है तो मैं दिखाता हूँ यहाँ टॉप से जो खतरनाक व्यू आता है। मेरा ऑडियो खराब हो चुका है, माइक खराब हो चुका है, बैटरी शायद पूरी चली गई है, बट देन ऑल्सो ये रिकॉर्ड करना तो बनता है। टॉप व्यू का मैं आप दिखाता हूँ 8 फीट ऊपर की और हाइट से जाइए 8 फीट और टॉप का व्यू लेने के। आपको अभी इतनी वेटिंग चल रही है यहाँ पे लोगों ने और पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को व्यू करने के लिए। ये आदमी जो अपने बच्चों को स्टंट कराने में लगा हुआ है, वो बच्चा बेचारा छोटा सा वहाँ पे और ये बाज नहीं आ रहा, उसको और ऊपर चढ़ाया जा रहा, और जा ऊपर और जा, बच्चे की हालत ख़राब है। और तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब पिताजी हो पर ऐसा भी क्या, जो कितना स्लिपरी है। और ये इसके बाद अगर यहाँ से नीचे गए ना सीधे तो गाइज ये है आपके लिए चेकआउट दिस व्यू। तो ये बहुत स्टेप है, बहुत स्टेप, कहीं कुछ ऐसा नहीं है दिख रहा होगा आपको। अभी यहाँ खड़ा हूँ और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, टॉप है बिल्कुल। लोग जो है इस वाले व्यू को इसलिए कैप्चर करना था क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रैगन दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे। ये ड्रैगन जो है ये बेसिकली यहाँ पे बनाया हुआ है, ये दिख रहा होगा। हाय 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 दिख रहा होगा आपको, ये ड्रैगन यहाँ बनाया हुआ सबसे हाइट पे है ये। और अभी अगर मैं आपको यहाँ का चेकआउट कराऊँ तो ये है इसका व्यू, ये पूरा व्यू है वन एंड ओनली। चलते हैं अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और यहाँ पे ना मतलब पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत स्लिपरी हो रहा है और मेरे शूज जो है ना वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहे स्लिपरी, तो थोड़ा चुपचाप शांति से चलते हैं वापस से वरना दिक्कत हो सकती है। सो गाइस पता चला मुझे जाके कि द लाइंग ड्रैगन माउंटेन क्यों कहा जाता है, दिखाया मैंने आपको वहाँ पर ड्रैगन जो है ना लेटा हुआ है। इस चक्कर में इसको पूरा जो माउंटेन वो कहा गया ना लाइंग ड्रैगन ड्रैगन, मैं सोचूं मैंने ड्रैगन माउंटेन क्यों कहा जा रहा है तो अब समझ में आया इसलिए कहा गया। चलो डॉक्टर चलते हैं अब बस के अंदर। जैसे गार्डन्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल गार्डन्स होते हैं, उसी तरीके से ये एक बहुत सुंदर सा लोटस गार्डन है। यहाँ से यहाँ पे एक्चुअली लोटस की खेती होती है और यहीं से पूरा लोटस हनोई में पास होता है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया में है ये। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm humbling.